गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपनी रिएक्ट जीएस की सीरीज में काफ़ी लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके थे एंड लास्ट लेक्चर था हमारा रिएक्ट जीएस प्रॉप्स एंड प्रॉप्स टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है गाइस, बिकॉज आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं स्टेट्स को, बिकॉज स्टेट इज़ वेरी यूजफुल थिंग इन रिएक्ट जीएस। एंड कोई भी आप अगर नेक्स्ट फ्रेमवर्क पढ़ोगे, नेक्स्ट जेएस या कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ोगे, तो स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टेट नहीं समझ में आया तो ना हुक समझ में आएंगे, ना ही कंपोनेंट समझ में आएंगे, ना ही प्रॉप समझ में आएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज़ तो फॉलो कर ही रहे हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने एक ऐप क्रिएट किया है, सिंपल, हेलो माय नेम इज़ रवि एंड आई एम बीटेक स्टूडेंट। तो इसमें हम अपनी स्टेट चेंज करने वाले हैं, तो पहले स्टेट समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ स्टेट एग्जैक्टली। ओके, सो स्टेट एंड इवेंट्स, पहले हम स्टेट समझेंगे देन इवेंट समझेंगे। ओके, सो टुडेज एजेंडा, व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट जेएस, एग्जांपल ऑफ स्टेट इन रियल वर्ल्ड, अपडेट स्टेट ऑन बटन क्लिक। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया था बस। सो व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट जेएस, द स्टेट इज अ बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट दैट यूज टू कंटेन डेटा और इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट। सो यार, कंपोनेंट हमारा फंक्शनल या क्लास कुछ भी हो सकता है, बट थिंग इज दैट कि हम उसकी स्टेट को कंटेन कर रहे हैं। सो व्हाट इज स्टेट, स्टेट मीन्स किसी भी कंपोनेंट या फिर किसी भी एलिमेंट का वैल्यू या उसका टेक्स्ट जो कि हम चेंज कर सकते हैं या उसको री रेंडर कर सकते हैं ऑन एनी इवेंट। आपका एपीआई लोड हो रहा है या आप कोई बटन क्लिक कर रहे हो, होवर कर रहे हो, कोई भी इवेंट के ऊपर, यूजर इवेंट के ऊपर आप उस कंपोनेंट का टेक्स्ट वैल्यू चेंज कर सकते हो, राइट? सो अ कंपोनेंट स्टेट कैन चेंज ओवर टाइम वेन एवर इट चेंज द कंपोनेंट रीरेंडर। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर टाइम चेंज हो सकता है जब भी चेंज होता है, एंड कंपोनेंट रीरेंडर होता है, कोई भी एलिमेंट है जब हम उसको वर्चुअल डॉम में उसको रीरेंडर करते हैं, तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट। स्टेट मैनेज विद इन क्लास फंक्शन कंपोनेंट्स। एज आई सेड, क्लास एंड फंक्शन दोनों के अंदर अपनी स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं इन अ रिएक्ट जेएस, एंड इट्स म्यूटेबल, मतलब हम इसको खुद से भी चेंज कर सकते हैं। सो इन अ फंक्शनल कंपोनेंट वी कैन चेंज स्टेट यूजिंग हुक्स। एग्जाम्पल के लिए यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। अभी ये थोड़ा सा बाउंस जाएगा बिकॉज अभी तक हमने हुक्स नहीं सीखे हैं। ओके, तो नो इशू, इस वीडियो में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हुक्स का। ओके, देन है क्लास कंपोनेंट। या देखो, क्लास कंपोनेंट मैंने पहले भी समझाया था, प्रॉप्स में भी, उससे पहले भी, तो प्लीज़ अगर वो वीडियोज़ रेफर नहीं किए तो उनको भी देख लो। क्लास कंपोनेंट हम यूज़ नहीं करने वाले हैं एंड कोई यूज़ नहीं करता, बट एज वी नो, कोई भी फंडामेंटल चीज़ सीखने के लिए हमें मैनुअल लर्निंग पे ही जाना पड़ता है या फिर ओल्ड लर्निंग पे ही जाना पड़ता है कि वो एग्जैक्टली उसका यूज़ क्या है, देन हमने उसको रैप करके आगे कैसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो चलिए हम क्लास कंपोनेंट का ही एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हुक्स देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना आ गया ही होगा आपको, पहले दूसरे तीसरे सब लेक्चर में बताया। ठीक है, एंड इसका कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड ऐप डॉट जी एस। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक पेरेंट कंपोनेंट कॉल किया है, सिंपल है, ज़्यादा कोई मूड मारने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने क्रिएट किया है क्लास कंपोनेंट। स्ट्रक्चर से मत डरो इसके, सिंपल ही होता है फंक्शनल कंपोनेंट की तरह, बहुत ईजी है, मैं समझा देता हूँ एक बार में। सो क्लास कंपोनेंट में हम एक्सटेंड करते हैं कंपोनेंट को, पहला क्योंकि अगर कोई इंटरव्यूअर थोड़ा सा डिफरेंस पूछेगा ना, तो बताना भी ज़रूरी है।
देन हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं जिसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज पास करते हैं. ओके, यहाँ मैंने एक दिस डॉट स्टेट प्रॉप्स किया है और एक स्टेट किया है. ओके, ये स्टेट में बाद में समझाता हूँ. सबसे पहले थोड़ा सा HTML का ओवरव्यू दे दूँ. तो एक डिव है जिसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड करी है, एक क्लास नेम ऐड करी है डेल्टा, लाइक डिव और है, एंड उसके अंदर हमारा H1 है. ओके, बस, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, देयर इज अ दिस डॉट स्टेट डॉट नेम. तो गाइस, स्टेट क्या होती है, मैं एक बार कंसोल आपको करा के दिखा देता हूँ. कंसोल डॉट लॉग. ओके, दिस डॉट स्टेट, मैं एक बार कंसोल में जाता हूँ. ठीक है, ओके, स्टेट इज अनडिफाइंड, मतलब अभी तक स्टेट में कुछ नहीं है. अब मैं स्टेट को नीचे एक बार प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हो इसके अंदर एट्रीब्यूट आ गया. मतलब इनिशियली स्टेट के अंदर कोई डेटा नहीं होता, वो ब्लैंक होता है. ओके, देन जैसे ही हम उसके अंदर की वैल्यू पेयर में एज अ ऑब्जेक्ट डेटा पास करते हैं तो हमें स्टेट के अंदर डेटा दिखने लग जाता है. ओके, एज वी कैन सी हम दिस डॉट स्टेट डॉट नेम हैंडल कर रहे हैं, राइट. तो चलिए इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ. अभी क्या है, इसका नाम रवि है बिकॉज मैंने स्टेट में सेट कर रखा है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ. ओके, यहाँ पर रवि आ रहा है. अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर आप देखो नेम गाना हो गया. तो मैं एज अ वेरिएबल इसको कॉल कर रहा हूँ. बट नाउ थिंग इज कि मुझे इसको बटन क्लिक पे चेंज करना है, क्योंकि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं स्टेट चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है. तो बट हाउ, कैसे हम स्टेट चेंज कर सकते हैं? तो यार, बटन क्लिक पे या किसी भी यूज़र एक्शन पे या पेज लोड पे या बहुत सारे एक्शन होते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो. तो मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे. ओके, चेंज नेम. ओके, ये चेंज नेम आ गया. और भाई, ऐसा बटन नहीं होता है नॉर्मली. मैंने स्टाइलिंग ऐड करी है app.css के अंदर. ठीक है, ये स्टाइलिंग ऐड है तो परेशान मत होना, है ना, कि ये डिफ़ॉल्ट बटन ऐसा कैसे आ रहा है. ओके, तो आप देख सकते हो, हेलो माय नेम इज़ कान्हा एंड आई एम बीटेक स्टूडेंट. ये सब चेंज करेंगे एक बार. ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, ये दिस डॉट स्टेट के अंदर जो हमने नेम कान्हा पास किया है, इसको मुझे चेंज करना है. ठीक है, तो मैं इसके लिए बनाऊंगा एक फंक्शन. अब फंक्शन हम कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वही सेम आइडिया है. तो मैं यहाँ करूँगा हैंडल स्टेट या हैंडल मैसेज या कुछ भी बना सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल नाम है. ठीक है, हैंडल स्टेट चेंज मैंने नाम दे दिया एक बस सिंपल सा. ओके, एंड इसमें मैं दिस डॉट सेट स्टेट मैं पास करूँगा. एंड इसके बाद एज इट इज़ जावा में हम जैसे करते हैं, नेम मैं पास कर दूँगा यहाँ पे. नाम बताओ, नाम कमेंट करो, मैं ऐड कर दूँगा, थोड़ा टाइम हो जाएगा. ठीक है, सो आप यहाँ ऐड कर सकते हो कोई भी नाम. नाम सोचने में इतना कन्फ्यूजिंग हूँ मैं. दीक्षा. ओके, मैंने उसको सेव किया. सो अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने ये इवेंट ही ऐड नहीं किया है. ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, ऑन क्लिक. अब ऑन क्लिक में हमें अपना इवेंट बाइंड करना पड़ेगा. यार देखो, यूज स्टेट समझोगे ना, वो बहुत इजी होते हैं, तो इसलिए इतनी जल्दी परेशान मत हो. अभी जो समझा रहा हूँ ना स्टेट के बारे में, उसको समझ लो. तो दिस डॉट हम अपने फंक्शन को एक्सेस करेंगे, स्टेट चेंज बाइंड दिस, ये करना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा, राइट. जो भी आप नाम यहाँ पर नाम दोगे, वरुण, चेंज किया, वरुण हो गया, राइट. समझ में आया व्हाट इज स्टेट. मतलब इस पर आप ये भी कर सकते हो कि मुझे अगर एक बटन क्लिक पे अपना काउंटर अप करना है. ये तो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल अच्छा ले लिया, बिकॉज क्या है, आपको डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है. तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे नेम के साथ साथ मैंने ले लिया एजुकेशन. ओके, बंदे की एजुकेशन क्या है, यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट मैं सेट कर देता हूँ बीटेक. भाई मैंने भी बीटेक किया, किस किसने बीटेक किया कमेंट करना, है ना. इंजीनियर्स फायर अप. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस डॉट स्टेट डॉट, अब क्या करना होगा हमें, एजुकेशन, सिंपल. तो आप देखो यहाँ पे बीटेक आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बीटेक ही मैंने स्टाइल किया था, राइट. अब मुझे इस फंक्शन पे चेंज नेम की जगह चेंज डिटेल्स में कर देता हूँ बटन का नाम. ठीक है, एंड यहाँ पे कॉमा लगा के एजुकेशन, बहुत ही सिंपल होता है, वेरिएबल का नाम एग्जैक्ट डालो, बस बात खत्म. अगर बीटेक नहीं करते तो हम क्या करते, UPSC. अच्छा, कौन कौन UPSC भी करना चाहता था वो बताना भाई. ठीक है, तो आप देख सकते हो एक बटन क्लिक पे नाम भी चेंज हो रहा है एंड उसकी डिटेल्स भी चेंज हो रही है. अरे यार, एक चीज़ और चेंज करके दिखाऊं मैं, और ज़िंदगी में क्या ही करोगे तुम लोग.
दिस डॉट स्टेट डॉट बी जी कलर, ठीक है। करना क्या है, डिफॉल्ट में एक बी जी कलर देना है बिकॉज वरना वो ब्लैंक आएगा। अब यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कलर पास कर दूंगा, क्या था देखो वहाँ पे एरर आ गया बिकॉज डिफ़ॉल्ट कलर कुछ है नहीं इसका भी। तो मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट कलर लेना होगा, कुछ नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं मेरे भाई, रेड दे देते हैं। आई नो बुरा लगेगा, देखो रेड आ रहा है, बहुत चुभ रहा है भाई, बहुत चुभ रहा है। ऐसा कर देते छोड़ो, ठीक है ये ब्लैक हो गया। ठीक, अब मुझे इस बीजी कलर को भी चेंज करना, कुछ नहीं करना है इसमें, पास करो। या तो एक देखो, आई एम नॉट सेइंग कि फंक्शन अलग अलग मतलब एक ही बनाओ, ठीक है कुछ मत करो, एक हैंडल दूसरा फंक्शन बना दो, हम थोड़ा सा तमीज़ से काम करेंगे। हैंडल स्टेट बीजी, ठीक है बीजी में कुछ नहीं करना है, सेम स्टेट स्टेट है, बीजी कलर उठा लो ऐड कर दो। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बीजी कलर में वाइट, ये कलर कोड थोड़े से याद हो गए हैं यार कोड करते करते, है ना, तो मैं भी हो जाएंगे, बस कोड किया करो याद से, ठीक है बीजी कलर। अब मैंने इसको कर दिया एक फंक्शन बना दिया इसका, इसमें कर दिया चेंज बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे हमें को क्या करना है, हैंडल स्टेट। देखो काम आसान हो गया है, परेशान मत हो, ऐसा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, होक्स आ चुके हैं, बट समझने वाली चीज़ है उसको समझो पहले, ठीक है। देखा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। टॉगल करने के लिए भाई एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, दैट आई एम सॉरी अबाउट इट, कि कंडीशन आपको खुद लगानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं अभी कंसोल करता हूँ ना, देखो इसके क्लिक पर अगर मैं कंसोल करूँ तो अपने पास स्टेट के अंदर डेटा कितना होगा, बतेरा डेटा होगा भाई। देखो क्लिक किया, ये देखो पूरे ऑब्जेक्ट में बीजी कलर, एजुकेशन नेम, जो भी डिटेल्स आप ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो यार ये था कॉन्सेप्ट स्टेट का। अच्छा चलो देखो कितनी देर हो गई वीडियो बनाते बनाते, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक एग्जांपल और ले लूँ जिसमें मैं ऐसा लगेगा थोड़ा सा कि मज़ा आ रहा है, ठीक है कुछ नहीं करना है, इसको रिमूव कर दो पूरे को, या रिमूव मत करो, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पर डाल दो, एक वेरिएबल बना दो यहाँ पे, एक और बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है हटा नहीं रहा, काउंट इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी इक्वल टू कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है काउंट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको प्लस प्लस करना है, ठीक है तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। बेसिक एग्जांपल लो कि अगर कोई इंटरव्यूअर सच में पूछ ले फिर क्या होगा तुम लोगों का, ठीक है ये मैं कमेंट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीमेंट, अच्छा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लेके चलते हैं ना, मज़ा आएगा। और भाई इंटरव्यू प्रस्पेक्टिव से पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आई डोंट नो, बट हाँ ये पूछा जरूर जाता है। हैंडल स्टेट काउंट, मैं स्टेट इसलिए कर रहा हूँ रट जाए तुम लोगों को, मतलब पक्का दिमाग में आ जाएगी व्हाट इज स्टेट, हाउ वी आर यूजिंग दिस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया काउंट, और कुछ नहीं करना पता है क्या, काउंट प्लस प्लस, ये स्टेट काउंट है इंक्रीमेंट का। अब मैं इसको डिक्रीमेंट में ले सकता हूँ। और हाँ एक चीज़ और, वेरिएबल के नाम ना थोड़े से समझने वाले दिया करो कि समझ में आ जाए अच्छे से। अब ये देखो ठीक है, शायद मेरी कुछ गलती हो गई, एक सेकेंड मैं देखता हूँ ना, हैंडल डिक्रीमेंट, हैंडल इंक्रीमेंट। अच्छा मुझे इसी दिखी तुम लोगों ने, मैं पेस्ट बहुत करता हूँ ना जल्दी जल्दी कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो ये बोल रहा है काउंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है वो भी कहाँ पे, 31 और 14 पे, तो 31 और 14 ये है काउंट, है ना ये काउंट। ओके ओके ओके, रियल रीज़न, समझे नहीं समझे, मुझे हुक्स का याद था एक्चुअली, क्योंकि हुक्स में ऐसा हो जाता है, सॉरी माई बैड माई मिस्टेक, बट एक्सेप्टेड एंड एडिड, ठीक है। अब इसको कंसोल भी करा लो चाहो तो समझ में आने के लिए, वैसे तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, कंसोल डॉट लॉग, अभी करंट की स्टेट की वैल्यू तो वैसे भी वहाँ पे दिख रही है, बट यहाँ भी देख लो क्या बुराई है, है ना। इंक्रीमेंट यहाँ ऐड कर दो डिक्रीमेंट, ठीक है। अब देखो कमाल, ये यहाँ प्लस हो रहा है 10 1 2, यहाँ माइनस भी हो रहा है, ठीक है बट वहाँ कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा वो देखते हैं एंड टू एंड।
यार वैसे पता है ये गलत बात है बट काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्लस वन और माइनस वन किया है, काउंट प्लस प्लस वैसे काम करना चाहिए, तो अब यहाँ भी देख सकते हो इसमें आ रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, याद रखना इसको, मैं थोड़ा सा आर एंड डी करता हूँ इसके ऊपर कि ये माइनस माइनस और प्लस प्लस ऑपरेटर काम क्यों नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ईजीली हमने एक अपना काउंटर बना लिया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके। मज़ा आया, समझ में भी आया होगा मज़े के साथ साथ, ठीक है। तो फिर स्टेट को हम यही एंड करते हैं। सॉरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम यू स्टेट हुक को बहुत मज़े से डिटेल में समझेंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि एक बार समझोगे बट हमेशा याद रहेगा, ठीक है। एंड यही एग्जांपल लेंगे कि हम इस चीज़ को और उसके पहले वाले एग्जांपल को कैसे हुक्स के साथ कर सकते हैं। तो यार देखो, बस इतने बोलने के बाद ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। पता है कैसे करते हैं, ठीक है। चैनल पर जाओ, ये आ गया, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आएगा, सब्सक्राइब कर देना, पहली चीज़। दूसरा, कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स हो, एक इंस्टाग्राम पे छोटा सा वो है अकाउंट, अच्छे फॉलोवर भी हो गए उसके ऊपर और आपकी डिटेल्स भी आती हैं, ठीक है, थोड़े बहुत मीम्स भी आते हैं, तो इसको भी फॉलो कर लेना, लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड ये तो वेबसाइट है, यहाँ पे तो फ्री कोर्स वगैरह जो भी चाहिए बड़े आराम से दो कोई। हाँ यार, कोई सर्विस की नीड हो ना, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कुछ भी हो, तुम्हारा भाई बैठा है, हेल्प करनी हो या फिर कुछ भी अगर टास्क हो तो बिल्कुल एनी टाइम मैसेज करो, क्वेरी ऐड करो अपनी, चल ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि।